फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेल्टडाउन ओवर न्यू नेशनल एम्बलम, बट व्हाई। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा मोदी जी को पता है कि इन लोगों की कौन सी, कहते हैं ना, नब्ज दबानी है जिससे उनकी चीख निकले। तो हर थोड़ी देर बाद इनको डोज देते रहते हैं मोदी जी, और ये वैसे ही रेडी बैठे होते कि हमें दो डोज ताकि हमारी चीखें निकले। तो अभी उनकी चीखें निकल रही है, और इतनी स्टूपिड रीजन के लिए कि शेर का मुंह जो है वो खुला हुआ क्यों है। किसी को ऑब्जेक्शन होने नहीं चाहिए वैसे। कमाल की है। मैं तो मतलब सुन के भी, आपको कोई ये बात सुने तो उसकी हंसी नहीं रुकेगी कि कैसे कैसे लोग हैं। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे रोस्ट करते हैं। मतलब ऐसे लोगों का रोस्ट करना, इनका मजाक उड़ाना बनता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी का जरा जलवा देखिए। जो लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होना चाहते थे, जो लोग वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग नहीं गाना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि भारत माता की जय बहुत कम्युनल है, वो लोग रातों रात हमारे देश के नेशनल एम्बलम के डिजाइन में बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं। वाह मोदी जी वाह। शेर ने जरा सा अपना मुंह क्या खोल दिया, सारे गीदड़ों की फट गई। मुझे लगता है कि वो नाराज इसलिए है क्योंकि उनको इस डिजाइन के बदले ये डिजाइन चाहिए था पार्लियामेंट बिल्डिंग पे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेल्टडाउन हो रहा है ना, इसका एक और भी गहरा कारण है। ये कारण किसी भी सोसाइटी में सिंबलिज्म की इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है। क्यों मोदी जी इस सिंबलिज्म को अच्छी तरह समझते हैं और क्यों इस बात से ऑपोजिशन की जलती है। हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, मुझे पता है थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन वंस अगेन आपने जो सिविलाइजेशनल आर्ट कॉम्पिटिशन में एंट्रीज भेजी हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते विनर्स और सारे का सारा सिविलाइजेशनल आर्ट का कॉम्पाइलेशन रिलीज किया जाएगा, तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उसका सबसे पहला पार्ट यानी हमारे देश के नेशनल एम्बलम का अपडेटेड डिजाइन का हाल में ही मोदी जी ने एक यज्ञ के साथ उद्घाटन किया। ऑपोजिशन की इस समय पर इतनी बुरी हालत हो रखी है कि इतनी छोटी सी बात पर भी उनके मेल्टडाउन शुरू हो गया। With the opposition slamming the government for allegedly altering the national symbol, they've asked that this new structure is unnecessarily aggressive. Oh my goodness! Take a look at what Jawahar Sarkar of the TMC said. Insults to our national symbol, the majestic Ashokan lions. The original is on the left, which is graceful, regally confident. The one on the right is moody version, put above the new parliament building, sharing an unnecessarily aggressive and disproportionate. This is a shame and it should be changed. अरे बाप रे यार, इन लोगों का रिएक्शन देख के कसम से ना, मेरे दिमाग में एक बच्चे का रिएक्शन आ रहा है। एक बच्चा बकरी ईद पर तड़पता जानवर और खून देखकर खुश हो जाता है, और फिर वही बच्चा होली के रंग देखकर डर जाता है। बड़ा बच्चा है। महुआ जी तो शेर को देख के सही में डर गईं। बाय द वे, देखिए मैं महुआ जी से और पूरे के पूरे ऑपोजिशन से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप देखिए कि किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स का ये एम्बलम भी हिंदुत्व, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। सारे के सारे चेन्नई सुपर किंग्स सपोर्टर्स को शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। उतना ही नहीं, अगर आपको जेम्स बॉन्ड की कोई भी पिक्चर पसंद है, तो याद रखिए कि जेम्स बॉन्ड की जो फिल्में हैं वो MGM बैनर में बनाई जाती हैं। तो अगर आपने जेम्स बॉन्ड की कोई भी फिल्म या MGM बैनर की कोई भी फिल्म देखी है, तब भी आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो नया एम्बलम है, इसमें शेर के दांत क्यों दिखाए जा रहे हैं, इतने अग्रेसिव तरीके से क्यों दिखाया गया है शेर को। यार ऐसे आर्ग्यूमेंट सुन के असली शेर खुद सोच रहे होंगे। ये मतलब शेर के नुकीले दांत अगर नहीं दिखाएं तो क्या दिखाएं, ऐसे दांत दिखाएं? ऐसी शेर की फोटो लगा दे पार्लियामेंट बिल्डिंग की छत पे, तब आएगी कलेजे को ठंडक आपको। एक मैडम ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेशनल एम्बलम को जरा सा भी चेंज करना देश से गद्दारी है। शर्म करो। सही बात, अगर आपने अपने बचपन में लायन किंग देखी है तो आप भी गद्दार हैं, क्योंकि लायन किंग में शेर के असली दांत दिखाए जाते हैं। खास कर अगर आपने बचपन में मिथुन चक्रवर्ती की चीता फिल्म देखी है, तब तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। You're playing music too loud, right to jail, right away. You're driving too fast, jail.
शर्म करो। और इस मेल्टडाउन की सबसे फनी बात ये है कि अगर आप ओरिजिनल एम्ब्लेम को देखेंगे तो ओरिजिनल एम्ब्लेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेर का मुंह खुला हुआ है, शेर के दांत दिख रहे हैं और शेर दहाड़ने की मुद्रा में खड़ा है ताकि दहाड़ कर चारों दिशाओं में धर्म को फैलाया जा सके। जिन लोगों को पॉलिटिशियंस के इफ्तार पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को पॉलिटिशियंस के अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिलीजन से बाहर रहना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करके मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। जो भाई साहब पूरे भारत में बिना मूंछ के घूमते रहते हैं, जिनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, जिनके रैलियों में हमेशा अल्लाहू अकबर के नारे लगते रहते हैं, वो मोदी जी को कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में सिखा रहे हैं। अगर यही करना है तो कल मार्क जकरबर्ग को भी अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैसे सेफ रखा जाए इस पर टेड टॉक देने के लिए बुला लेते हैं। कल इमरान खान को भी देश की इकोनॉमी कैसे मैनेज की जाती है इसके ऊपर दूसरे देशों को स्पीच देने के लिए बुलाना चाहिए। इसीलिए तो ओवैसी साहब के भाई कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्योंकि उस 15 मिनट में वो पूरे देश को सेकुलर बनाना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशन सिखाना चाहते थे। अमेरिका के सिटीजन बहुत नाराज हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर पूजा कर रहा है। बाय द वे भाई साहब, अमेरिका में खुद देख लीजिए कि प्रेसिडेंट को कैसे स्वेयर इन किया जाता है। Do solemnly swear. So help you God. So help me God. फ्रांस जब अपने वेपन्स दूसरे देशों को बेचता है तो उन वेपन्स को फ्रांस के प्रीस्ट ब्लेस करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट का ऑफिशियल चर्च है, तो वो सारे देश अपने कल्चर को फॉलो करे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी अगर पूजा कर दे तो जान दे देंगे। ये सब दुगलापन है। कसम से इन लोगों को हिंदू कल्चर से इतनी नफरत है कि अगर टिंडर पे भी इनको एक पूजा नाम की लड़की दिख जाए ना तो ये लेफ्ट स्वाइप कर देंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे भारत में योगा डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक बार मोदी जी को ब्रीदिंग डे ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए, एक दिन में सारे का सारा ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, नेशनल एम्ब्लम की डिजाइन चेंज होने पर एक पूरा का पूरा वीडियो क्यों बना दिया तूने? क्योंकि देखिए, एक सोसाइटी में सिंबलिज्म की इंपॉर्टेंस जितनी शायद आपको लगती है उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए जरा एक सेकंड कि हमारे देश के कल्चरल आइकॉन्स गांधी जी का फर्जी अहिंसा और नेहरू जी के फर्जी पंचशील के कॉन्सेप्ट्स को क्यों बनाया गया, जिन कॉन्सेप्ट्स की वजह से हमारे हाथ से पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, पीओके निकला और अक्साई चिन निकला। हमारे देश के कल्चरल हीरो भगत सिंह क्यों नहीं है, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं है, महाराणा प्रताप क्यों नहीं है, गुरु गोविंद क्यों नहीं है, कृष्ण देव राय क्यों नहीं है, अरे भाई शिवाजी क्यों नहीं है, जिन्होंने इंडिया से इस्लामिक साम्राज्यवाद को खत्म किया और अंग्रेजों के दिल में सही मायने में डर पैदा किया। सोचिए जरा एक समय कि हमारे देश में इस्लामिक घुसपैठियों को हीरोज की तरह क्यों दिखाया जाता है, जबकि भारतीय शेर दिल जिन्होंने अपनी जान पर खेल के भारत की रक्षा की, उनके बारे में हमारी टेक्स्ट बुक्स बात ही नहीं करती, और बात भी करती है तो उनको रेबल्स बोला जाता है। सोचिए जरा एक सेकंड कि जब हमको श्रीराम के बारे में बताया जाता है तो सिर्फ ये क्यों बताया जाता है कि श्रीराम ने तो सबको प्यार करना सिखाया है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि धर्म की रक्षा के लिए और सीता माता की आन के लिए श्रीराम ने युद्ध भी किया और रावण का वध भी किया। देखिए, इस सब के पीछे कारण यह है कि भारत का जो मार्क्सिस्ट और शांति दूतों का नेक्सस है, वो चाहता था कि हिंदुओं को हमेशा कमजोर और अपने कल्चर में शर्मसार बनाकर रखा जाए, क्योंकि जब तक हिंदुस्तानियों को ऐसे रखा जाएगा तब तक ये मार्क्सिस्ट और शांति दूतों का जो नेक्सस है ये पावर में रह सकता है। क्योंकि सोचिए इस नेक्सस का क्या होगा जब हिंदुस्तानी भगवा पिल लेकर अपनी आंखें खोलेंगे, तो तब इनका वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, पूरे का पूरा समय बदल जाएगा, क्योंकि तब हिंदुस्तानी बोलना शुरू करेंगे कि मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में क्यों है लेकिन चर्च और मस्जिद क्यों नहीं है, हिंदू कानूनों के साथ छेड़खानी क्यों होती है लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी क्यों नहीं होती। अगर हम वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 क्यों लगाया गया, हिंदुओं को उनका राम मंदिर वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए, हिंदुस्तानियों को उनकी सच्ची हिस्ट्री क्यों नहीं सिखाई जा रही है, हिंदुस्तानी पीसफुल कम्युनिटी से डीरेडिकलाइजेशन की डिमांड क्यों नहीं कर सकते, अगर दुश्मन देश हम पर अटैक करता है तो हम उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हमारे कल्चर में हर एक इंसान के पास चारों वर्णों के गुण होने चाहिए, यानी सेवा, ज्ञान, अर्थ और क्षत्रिय धर्म। हिंदुस्तानी आज सेवा करने में, ज्ञान और अर्थ अर्जित करने में तो बड़े माहिर हैं, लेकिन पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद मार्क्सिस्टों ने हिंदुस्तानियों के दिमाग से क्षत्रिय धर्म पूरी तरह से निकाल फेंका है। जिस दिन हिंदुस्तानी अपने क्षत्रिय धर्म को वापस सीखेंगे उस दिन हिंदुस्तान की काया पलट हो जाएगी।
और ये जो नया नेशनल एम्बलम बनाया गया है वो हिंदुस्तानियों के उस क्षत्रिय धर्म का रिमाइंडर है, ताकि हर रोज हिंदुस्तानी उस एम्बलम को देखे और अपने क्षत्रिय धर्म को याद करे। देखिए, मोदी जी में बहुत खामियां हैं, लेकिन एक बात तो है कि मोदी जी को सिंबलिज्म बड़े अच्छे से समझ में आता है, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाने का सिंबलिज्म हो, चाहे वो CAA का सिंबलिज्म हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक को हटाने का सिंबलिज्म हो, चाहे वो राम मंदिर को दोबारा बनवाना और बाकी पुराने मंदिरों की मरम्मत करने का सिंबलिज्म हो। मोदी जी समझते हैं कि ये सिंबलिज्म किस तरह से देश में गौरव पैदा करता है और क्षत्रिय धर्म को पैदा करता है, और इसलिए आप देखिए 90% हिंदुस्तानी जो हैं वो इस एम्बलम को सपोर्ट करेंगे और पूजा को सपोर्ट करेंगे, और ऑपोजिशन जबरदस्ती 2 हफ्ते तक मोदी जी को गरियाएगा, उसके बाद इलेक्शन में जाके सोचेगा कि भैया हमको कोई वोट क्यों नहीं देता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो नए एम्बलम का स्टाइल है, ये आपको पसंद है? आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, नीचे अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हाल में ही हुए अजमेर दरगाह में 90% विजिटर्स की जो कमी हुई है, उससे जो मेल्टडाउन्स हुए हैं और उससे क्या हमको सबक सीखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखें। शाम शर्मा शो का मग क्लब और स्टिकर क्लब ज्वाइन करने के लिए नीचे पेट्रियन पे क्लिक करके पेट्रन जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर। तो फ्रेंड्स, अच्छा रोस्ट किया है, ऐसे लोगों को रोस्ट करना बनता है, और बाकी पब्लिक की आंख खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी इनोसेंट पब्लिक है वो, तो मुझे दिख गया है और मेरे को यकीन हो गया है कि पब्लिक जो है इतनी इनोसेंट है कि लोगों के साथ सुन सुना के देख दुख के भुद्दू बनती जाती है। तो इस टाइप की वीडियोस जो है वो आंखें खोलती है, एटलीस्ट होपफुली आंखें खोलेंगी, कईयों का दिमाग चेंज करेंगी कि भैया भाई शेर का मुंह क्यों खुला हुआ है। और पहले वाला देखो तो उनका भी पहले वाले में लग रहा था कि नहीं है, पर जब दूसरी फोटो दिखाई तो उसमें भी मुंह खुला हुआ था, तो वो कह रहे हो उसमें मतलब वो दहाड़ने की प्रोसेस में है। अब हमारा बुद्ध है भाई, टाइम हो गया है, इतने सालों में क्या अभी तक दहाड़ने की प्रोसेस में ही होंगे? तो दहाड़ रहे हैं। पर जो भी मोदी जी करें, मुझे तो हर काम उनका बहुत फैंटास्टिक लगता है, और मैं कह रही हूं उनको ऐसे करते रहना चाहिए। लोग बोलें, चीखें, चिल्लाएं, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो ऑपोजिशन है, उनका काम ही ये है। उनको तकलीफ है कंट्री की प्रोग्रेस से, क्योंकि उनको पता है कि इस गवर्नमेंट के साथ जो प्रोग्रेस हो रही है वो कितने सालों में, 60-70 सालों में नहीं कर सके, जो प्रोग्रेस जो है इतने कुछ सालों में इस गवर्नमेंट ने कर दी है, और इतने अच्छे अच्छे चेंजेस ला रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे तो ये सिंबल जो है उन्होंने जो यूज किया है, जैसा शेर बनाया है, इतना मैजेस्टिक लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना, कि देख के अपने को भी होता है। नहीं देखिए, पॉइंट ये है कि बहुत अच्छा कार्य किया मोदी जी ने, कमाल है। जैसे मैंने कहा था, नेशनल एम्बलम जो पुराना था और नए वाले में अंतर आना जरूरी था, क्योंकि वो रियलिटी दिखाता है कि शेर जो है स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, और आपने ट्रू शेर दिखाया, जिसके दांत है। ऑफकोर्स आप दांत कैसे हटा सकते हैं, शेर जैसा है वैसा है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखाया। प्लस जैसे वो कह रहे हैं, उन्होंने कनेक्ट किया है क्षत्रियज्म से, वो भी अच्छी बात है, और हिस्ट्री को जैसे मैनिपुलेट किए, वो भी आप धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं ट्रू हीरोज, और जो दूसरे जिनको हीरो बना रखा था उनको हटाया जा रहा है। और दूसरा, मैंने भी कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कहेंगे कि जो मेरा रिलीजन है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, जो तुम्हारा रिलीजन है तो वो फॉलो करो, बट मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनमें प्रॉब्लम थी, उनको वोटर बेस की प्रॉब्लम थी, और वो इतने ज्ञानी नहीं थे कि वो समझे कि तुम अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करो। तो ये मोदी जी ने क्लियर किया है, सबकी रिस्पेक्ट होगी, अपने रिलीजन जो करें वो फॉलो करें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है। एम्बलम वो होना चाहिए जिसको देख के आपको प्राउड फील करना चाहिए, स्ट्रांग फील करना चाहिए, वही मोदी जी ने किया है, तो वेरी नाइस, कमाल है। वैसे मैं कल मोदी जी करते जाओ, हम आपके साथ हैं, पूरी इंडिया आपके साथ है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।